एपिसोड 5 में अनपैक करने के लिए बहुत सारे डिटेल्स थे। इस वीडियो में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकैप करके नेक्स्ट वीडियो में उन सारी डिटेल्स पर ध्यान देंगे। थ्रॉग, ट्रांसफॉर्मर थानोस, ढेर सारे लोकी और उस एंडिंग सीन के बाद तो थियरी वाला वीडियो बनता है बॉस। बट पहले रिकैप एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में प्रून्ड होने के बाद लोकी वॉइड में टेलीपोर्ट हो गया। टीवीए जितने भी टाइमलाइंस और वेरिएंट्स मिटाते हैं वो सीक्रेट टाइमलाइन से निकलकर इसी वॉइड में आते हैं। अलायत नामी ये क्लाउड मॉन्स्टर इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी वेरिएंट कभी इस वॉइड से बाहर ना जा पाए। इससे पहले कि अलायत लोकी को अपना शिकार बना ले, लोकी के दूसरे वेरिएंट्स उसे अपने साथ ले गए। इन वेरिएंट्स में शामिल थे क्लासिक लोकी, किड लोकी, बोस्टफुल लोकी और एलिगेटर लोकी। उधर टीवीए में रेंसलेयर से पूछताछ करते वक्त सिल्वी को पता चला कि यार इसे भी टीवीए की असली सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। बट रेंसलेयर को भी टीवीए के बारे में सब कुछ जानना था, तो वो सिल्वी की मदद करने के लिए तैयार हो गई। रेंसलेयर ने इसे बताया कि लोकी मरा नहीं बल्कि वॉइड में अटका है। रेंसलेयर ने मिस मिनट्स को टीवीए की ओरिजिन फाइल्स ढूंढने को कहा, बट सिल्वी को बिगिनिंग ऑफ द टाइम से ज्यादा एंड ऑफ टाइम के फाइल एक्सेस करने में इंटरेस्ट था। इनके पास एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड कोई फाइल्स नहीं है क्योंकि अंत अभी तक लिखा जाना है। इन प्रोग्रेस सिल्वी समझ गई कि टीवीए को बनाने के पीछे जिसका भी हाथ है वो जरूर एंड ऑफ टाइम या वॉइड के उस पार होगा। टाइमलाइन इन प्रोग्रेस मतलब वहां जो भी होगा वो ब्रांच टाइमलाइन नहीं बल्कि नई टाइमलाइन होगी। नो नेक्सस इवेंट टीवीए की नजरों से छुपने के लिए एपोकलिप्स से ज्यादा परफेक्ट जगह। अनफॉर्चुनेटली वॉइड को सेफली क्रॉस करना नामुमकिन है। टेम्पेन में भी वॉइड की लोकेशन के बारे में कोई डिटेल्स नहीं। ये सुनते ही सिल्वी ने रेंसलेयर को प्रून करके वॉइड पहुंचाने की ठान ली, बट एन मोमेंट पर मिस मिनट्स ने उसे रोक लिया। अपेरेंटली टीवीए के पास एक ऐसी प्रोटोटाइप स्पेसशिप है जो इन्हें सही सलामत वॉइड के थ्रू ले जा सकती है। माहौल देख के लग रहा था कि मिस मिनट्स और रेंसलेयर सिल्वी को चूना लगा रहे थे। स्पेसशिप के फाइल्स को डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करके सिल्वी को पकड़ने का प्लान था इनका। समय रहते सिल्वी ने इनकी चाल भांप ली और इससे पहले कि रेंसलेयर के मिनट मैन इसे पकड़ लें, सिल्वी खुद को प्रून करके वॉइड पहुंच गई। यहां लोकी के वेरिएंट्स बंकर में बैठे एक दूसरे को अपने नेक्सस इवेंट्स की कहानियां सुना रहे थे। इनकी कहानियां सुनकर एक बात तो साबित हो गई कि क्लासिक लोकी के पावर्स बाकी सारे वेरिएंट्स से काफी ज्यादा एडवांस हैं। बट किड लोकी का नेक्सस इवेंट सबसे ज्यादा बैडास था। अपने भाई थॉर को मारने के बाद वेरिएंट बनाइए, शायद इसीलिए किड लोकी को सारे राजा मानते हैं। लोकी के हिसाब से इस वॉइड से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, इन्हें साथ मिलकर अलायत को मारना होगा। लोकी के इस प्लान को सुनकर सारे वेरिएंट्स हंसने लग गए। अलायत को मारना काफी मुश्किल काम है, वो कोई एजेंट कोल्सन नहीं कि पीछे से सेप्टर घुसेड़ कर मार दो। अपना मजाक बनता देख लोकी गुस्से में बंकर से बाहर निकल गया। बाहर प्रेसिडेंट लोकी और उसके सपोर्टर्स किड लोकी की गद्दी हड़पने आए थे। बोस्टफुल लोकी ने अपने साथियों को धोखा देकर प्रेसिडेंट लोकी को बंकर की लोकेशन बता दी थी, बट यहां सबको राजा बनना था, तो बंकर में आते ही सारे आपस में भिड़ गए। क्लासिक लोकी ने पोर्टल बनाकर लोकी, किड लोकी और एलिगेटर लोकी को बंकर से बाहर निकाल दिया। फाइनली ये दोनों लोकी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। ये दोनों बस लोकी को अलायत तक पहुंचाएंगे, उसे मारने का काम लोकी को अकेले ही करना होगा। सिल्वी के वॉइड में लैंड होते ही अलायत उसके पीछे पड़ गया, पर फिर मोबियस ने एन मोमेंट पर आकर सिल्वी को बचा लिया। ये मोबियस भी जिंदा है। अलायत से भागते वक्त सिल्वी उसके कॉन्टैक्ट में आई थी, तभी कुछ देर के लिए सिल्वी ने अलायत के मेमोरीज को एक्सेस किया था। सिल्वी को लगता है कि वह अलायत को एनचांट कर सकती है, इसीलिए ये गाड़ी घुमाकर वापस अलायत के डायरेक्शन में चले गए। फिर हमने अलायत के पावर्स का छोटा सा डेमो देखा। ये भाई साहब देखते ही देखते अक्के नेवी शिप को हजम कर गए। पता नहीं लोकी इसे कैसे मारेगा, मे बी प्यार की ताकत से। कुछ देर बाद इनकी मुलाकात सिल्वी और मोबियस से हुई। एक दूसरे से इमोशनली मिलने जुलने के बाद सिल्वी ने लोकी को अपने प्लान के बारे में बताया। टीवी के पीछे कौन है ये जानने के लिए सिल्वी अलायत को एनचांट करना चाहती है। उसे मारने से तो कहीं ज्यादा लॉजिकल प्लान है ये। B15 से पूछताछ करते वक्त रेंसलेयर को पता चला कि सिल्वी का असली मकसद टीवीए से बदला लेना है। रेंसलेयर को भी टीवीए के मेकर के बारे में जानना था। उसने फिर से मिस मिनट्स को बोलकर टीवीए की ओरिजिन फाइल्स निकलवाए। उधर वॉइड में लोकी और सिल्वी साथ में बैठकर रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे थे। फुल फैन सर्विस भाई। यहीं पर ऑकवर्डली दोनों ने अपने अजीब से रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया, पर फिर फटाक से टॉपिक चेंज कर दिया। हर बार गरम करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। वॉइड में आने से पहले सिल्वी ने टेम्पेट चुरा लिया था। टेम्पेट में वॉइड के अंदर आने का रास्ता नहीं, बट बाहर जाने का तो है ना। लेकिन लोकी को कहीं नहीं जाना, उसे यही वॉइड में रहकर सिल्वी की मदद करनी है। लोकी के दूसरे वेरियंट्स को भी वॉइड से बाहर निकलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मोबियस अकेला वापस टीवीए चला गया। वॉइड से बाहर निकलते ही मोबियस सारे टीवीए में आग लगा देगा। अलायत का सामना करने किड लोकी ने लोकी को अपना ब्लेड दे दिया और फिर तीनों वेरिएंट्स वहां से चले गए। लोकी और सिल्वी का ओरिजिनल प्लान ये था कि पहले ये दोनों किसी ब्रांचिंग टाइमलाइन के आने का वेट करेंगे,
जब अलायंस तो उस ब्रांचिंग टाइमलाइन को हजम करने में बिजी होगा, तब ये चुपके से उसे इंचांट करेंगे। बट इनके पास ब्रांचिंग टाइमलाइन का वेट करने ज्यादा टाइम नहीं। फिर ये डिसाइड हुआ कि लू की अलायंस का ध्यान भटकाएगा और सिर्फ इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर अलायंस को कंट्रोल करेगी। इनका यह प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। अलायंस लोकी की बजाय सीधा सिल्वी को खाने निकल पड़ा, बट क्लासिक लोकी ने इन्हें बचा लिया। अलायंस का ध्यान भटकाने क्लासिक लोकी ने अपने प्रोजेक्शन पावर की मदद से सीधा एस्गार्डी बना दिया। डैम, एकदम गूज़बम्स वाला मोमेंट, द स्ट्रॉन्गेस्ट लोकी। क्लासिक लोकी की इस माइंड ब्लोइंग पावर्स को देखकर लोकी और सिल्वी समझ गए कि उनके अंदर भी इस लेवल के पावर छुपे हैं। अगर सिल्वी के पास एन्चेंटमेंट के पावर्स हैं तो लोकी के अंदर भी ये पावर्स होने चाहिए। मतलब ये दोनों साथ मिलकर अलायंस को एन्चेंट करेंगे। अलायंस को बिजी रखने के चक्कर में क्लासिक लोकी ने अपनी जान गंवा दी, बट इसका सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं गया। सिल्वी और लोकी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अलायंस पर कंट्रोल हासिल किया। एन्चेंटमेंट के बाद इनके सामने एक पोर्टल खुला जिसके उस पार कोई कासल नजर आ रहा था। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। कौन सा कासल था वो? द कासल ऑफ डॉक्टर डूम या फिर कासल लिम्बो? वो सब अलग से थियरी वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।